उत्तराखंड में कमीशनखोरी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो अल्मोड़ा का बताया जा रहा है, जिसमें खोला जिला पंचायत सीट से भाजपा समर्थित जिला पंचायत सदस्य अपने क्षेत्र में काम करने के एवज में 10% कमीशन मांग रहा है। अब इस बातचीत का वीडियो ठेकेदार ने चुपके से बना लिया, जो कि अब वायरल हो रहा है। इस वीडियो को आपको सुनाएं और दिखाएं उससे पहले आपको बता दें कि ये मामला 13 अक्टूबर का है, जब ठेकेदार बीके पांडे जिला पंचायत परिसर में बैठा हुआ था। तब खोला सीट से भाजपा समर्थित जिला पंचायत सदस्य नंदन नेगी उर्फ निक्कू ने उनके क्षेत्र में ठेकेदार से प्राथमिक स्कूल रिपेयर करवाने का 10% कमीशन मांगा, जिसका ठेकेदार ने चुपके से वीडियो बना लिया। ठेकेदार ने बताया कि पिछले वर्ष खोला क्षेत्र में उसके द्वारा 6 लाख की राशि का एक प्राथमिक विद्यालय रिपेयर करवाया गया था, जिसका GST काट कर उसको 5 लाख का भुगतान हुआ था। उसी कार्य का जिला पंचायत सदस्य 10% कमीशन मांग रहा था। हालांकि ठेकेदार 2% कमीशन देने को तैयार था, मगर जिला पंचायत सदस्य नंदन नेगी 10% पर ही अड़ा रहा, जो कि वीडियो में साफ साफ सुनाई दे रहा है। तो बात तो हुई थी उस दिन, बात हुई थी नहीं थी, तुम्हारे कोई मना नहीं है, कोई ये नहीं, कोई वो नहीं है। तो ठीक है, मैंने 1-2% मैंने बोला था, तो अगर तुमने 1-2% अगर तुमको लेना है तो 1% क्या हो, मतलब हाँ तो नहीं देना ना यार, ऐसे तो कल को विधायक मांगेगा 10% विधायक मांगेगा, 20% सांसद मांगेगा, कोई बात नहीं है। वहाँ तुमको जो करना है मैं उसे वहाँ पर तुमने झूठ भी बोला था। मैंने तुमसे वही कहा था, मैंने कहा चल 1% यार मेंबर हूँ, मेंबर का सम्मान रखते हैं। चलो आज 1% क्या हूँ, मतलब मैं 1% वाला दिखाऊंगा तुमको ना, तो कमीशन देने के लिए क्या मैं चोरी थोड़ी कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ मेरे क्षेत्र में काम हो रहा है, मेरा कोई क्षेत्र ही नहीं होता यार, मेरा भी क्षेत्र है, मेरा भी क्षेत्र मेरा क्षेत्र है। ये मामला जनपद अल्मोड़ा के खोला जिला पंचायत क्षेत्र का है, जहाँ पे पिछले साल मैंने एक प्राइमरी पाठशाला रिपेयरिंग का काम किया था। 6 लाख उसका वो काम था, जिसमें से GST वगैरह सब कट कुट के मुझे लगभग 5 लाख का भुगतान हुआ होगा। तो ये व्यक्ति उस क्षेत्र में जिला पंचायत सदस्य है, ये तभी से मेरे से इस काम के एवज में 50,000 रूपये की डिमांड कर रहा था। तो मेरे द्वारा इसको लगातार टाला गया, जैसे तैसे बहुत ज्यादा जब इसने परेशान करना शुरू कर दिया, तो मैंने इसको 1-2% का मैंने कहा यार 1-2% इसको लालच देकर इसको विजिलेंस में रंगे हाथों पकड़वाता हूं, ऐसा मेरा फिर विचार बना जब बहुत ज्यादा परेशान हो गया। तो ये मैं सोचा था, मैंने कहा किसी में कि इसको 1-2% का ऑफर देता हूँ, ये हाँ कहता है तो विजिलेंस में इसकी कंप्लेंट करके इसको रंगे हाथों पकड़वाऊंगा। ये घटना 13 तारीख की है, 13 अक्टूबर को जब हम बैठे थे जिला पंचायत परिसर में, तो ये व्यक्ति आया तो मेरे द्वारा पूछा गया, मैंने कहा भाई तुम 50,000 रूपये किस चीज के मांग रहे हो? तो ये कहते हैं कि यार मेरा क्षेत्र है, मेरा हक बनता है। तो मैंने कहा यार क्षेत्र तो सबका होता है, मैंने कहा जितने मैंने कहा बड़े नेता होते हैं उनका भी अपना क्षेत्र होता है, मैंने कहा सबका क्षेत्र होता है, मैंने कहा अगर ऐसा तो कोई नहीं मांगता, मैंने कहा मैं तुम ही को देख रहा हूँ, तुम इस टाइप से कह रहे हो कि यार मेरे क्षेत्र होता है, तो मैंने कहा क्षेत्र तो मेरा भी वही है, गृह क्षेत्र है। तो मैंने कहा जब सबके क्षेत्र रहेंगे तो हम काम कहाँ करेंगे? तो ऐसे कहते कहते बहस हुई, थोड़ा बहस होने के बाद ये आदमी आग बबूला हो गया, ये गाली गलौज पे उतर आया। उसके बाद मेरे द्वारा भी जवाब दिया गया, तो मैंने भी निडर होकर कहा, मैंने कहा क्या करेगा यार, मैंने कहा तू क्या करेगा बता, मैंने कहा जान से मारेगा, मैंने कहा ये बिचारा तेरा क्या है ऐसा कर करके, ये आदमी तुरंत हाथापाई को कर गया। हालांकि हाथापाई हुई नहीं वहां पे, बीच बचाव किया जो वहां पे जो लोग थे उन्होंने बीच बचाव किया, हाथापाई नहीं होने दी। लेकिन इसके ऐसे रवैये को देखते हुए तुरंत मैं थाना कोतवाली गया, मैंने इसके खिलाफ तहरीर दी है और मैंने कोतवाल साहब को मैंने स्पष्ट बताया भी है कि इस व्यक्ति से मुझे जान माल का खतरा है, और मैंने इसकी लिखित शिकायत SP विजिलेंस साहब और सचिव पंचायती राज साहब और जिलाधिकारी महोदय अल्मोड़ा और माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय अल्मोड़ा को भी इसकी लिखित शिकायत कर रखी है। और 13 तारीख को ही मैंने इसके खिलाफ तहरीर दी थी, लेकिन अभी तक इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो मैं पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन अल्मोड़ा वालों से और माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि सर क्या ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे, कि जो रंगदारी मांगते हैं और डराते हैं, धमकाते हैं और हाथापाई पे उतारू होते हैं, या ऐसे लोगों को संरक्षण ही दिया जाएगा? माननीय मुख्यमंत्री जी, ये व्यक्ति आपके न खाऊंगा न खाने दूंगा और क्या कहते हैं जीरो टॉलरेंस के जो वादे हैं उनको भी झुठला रहे हैं सर।
तो क्या ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे या नहीं करवाएंगे, वो मुझे इसका जवाब चाहिए आपसे, धन्यवाद। हालांकि जिला पंचायत सदस्य नंदन नेगी से जब हमने इस पूरे मामले के बारे में पूछा तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया और वीडियो को फर्जी बोला है। हालांकि उत्तराखंड तक इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। अल्मोड़ा से संजय की रिपोर्ट।